हेलो दोस्तों, मैं हूँ दुर्गेश वर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज जा रहे हैं बाबा सिद्धनाथ मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। ऊपर ये जो हम लोगों को ऊपर हाईवे मिलेगा, ये NH-21 ये हाईवे है, जो कि आपके कैलकाटा से लेके दिल्ली तक को ये टच करता है। और ये हम लोग ऊपर हाईवे पे चढ़ते हुए हैं, और जैसे ही हम लोग हाईवे ऊपर चढ़ेंगे, फिर आपको वॉइस ओवर करते हैं आपको, जो कि रामा देवी हम लोग उतरेंगे। ये देखिए लखनऊ इलाहाबाद वाराणसी ये हाईवे है आपका। अब हम लोग रामा देवी चौराहे के लिए जैसे नीचे उतरते हैं, उसके बाद आगे आपको जाजमऊ लाल बंगला रामा देवी चौराहा और बाबा सिद्धनाथ के लिए मंदिर जाने के लिए रास्ता यही मिलेगा। साइड में मार्केट भी दिखा रहे हैं। सुबह सुबह यहाँ मार्केट है, ठीक है। ये देखिए आपकी रामा देवी सब्जी मंडी है। और रामा देवी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर फोर लाइन, मतलब एक आपके इलाहाबाद जाने का पुल के नीचे से भी रास्ता है, और एक आपके लाल बंगला मार्केट जाने का भी रास्ता है। यहाँ पर आपको देखेंगे हमेशा कि आपको आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक मिलेगा। और हम लोग रामा देवी चौराहे से आगे निकल चुके हैं। हम लोग निकल चले हैं आगे बाबा सिद्धनाथ मंदिर के लिए। अब हम लोग जाजमऊ पहुंच गए हैं। जाजमऊ से पहुंचते हुए बस बाबा सिद्धनाथ बाबा का मंदिर आने वाला है। और ये देखिए आ गए हैं हम लोग अब बाबा सिद्धनाथ के मंदिर में। बस यहाँ का भव्य नज़ारा इतना अच्छा लगता है कि हम लोग शोर शराबा, आपके जो शहर से शोर शराबा है इतना, वहाँ सबसे दूर काफ़ी गंगा जी के किनारे बाबा सिद्धनाथ के मंदिर में इतना प्यारा माहौल लगता है कि जैसे लगता है कि हम लोग कहीं और ही आ गए हैं। जय हो बाबा सिद्धनाथ की। बाबा सिद्धनाथ के मंदिर में हम लोग प्रांगण में आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन मोहाना और अद्भुत नज़ारा लग रहा है। भक्त लोग बाबा मंदिर में पूजा पाठ करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, बाबा आनंदेश्वर मंदिर में आपका स्वागत है। कितना मनमोहक नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखकर। मन को एक लगता है कि अद्भुत सी एक शांति मिल रही है यहाँ पर।
बाबा सिद्धनाथ के मंदिर में आप सभी लोग एक बार आइएगा। आप लोग खुद ही कहेंगे कि वाकई में बहुत अच्छा मनमोहक नज़ारा है। बाबा सिद्धनाथ सभी लोगों की रक्षा करें, सभी लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय बाबा की। अब हम लोग बाबा सिद्धनाथ मंदिर में प्रांगण की तरफ बढ़ते हुए ये देखिएगा, अब माता गंगा जी के आपके दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर काफ़ी पुरानी इमारत बनी हुई है और ये देखिएगा अब हमारी माता गंगा जी आ गई हैं। इस समय पितर पक्ष का समय चल रहा है और यहाँ पर देखिएगा श्रद्धालु लोग अपने पूर्वज को पिंडदान वगैरह देते हुए। ये देखिएगा ये इमारत दूर से कितनी भव्य लगती है, देखने में कितनी अच्छी और कलात्मक लगती है। अच्छा, और जो है हाँ, ये गौर हो जाता तो काफी विश्वनाथ होते हैं। अच्छा, कौवे ने अड्डी डाल दी। कौवे ने अड्डी डाल दी जी। राजा यार का महल था हाँ। वो सब जो है पलट गया, अड्डी डाल दी। अच्छा, तो यहाँ तो काफी आप निकले हुए अपने आप निकले हुए हैं। लगभग कितना पुराना होगा मंदिर ये मान के चलिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने शिवलिंग है सबसे पुराना मंदिर। अच्छा, सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ पे सावन के टाइम में मेला वगैरह लगता है क्या? हाँ, भीड़ होती है, बहुत मेला लगता है। अच्छा, आप खड़े नहीं हो पाओगे जितनी देर आप खड़े हो। हाँ, इतनी देर आप खड़े नहीं हो पाओगे। अच्छा अच्छा, प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर सोमवार को? हर सोमवार को होता है, हर सोमवार को प्रोग्राम होता है। और सावन के टाइम कितनी भीड़ होती है यहाँ पर? अरे भैया, तुम तो पीछे से आगे तक तुम पता है, यहाँ बात नहीं कर सकते, पुलिस लगती है। अच्छा हाँ। और ये बताइए कि यहाँ पर आनंदेश्वर महाराज से वजह ये यहाँ पर कैसा लगा आपको? अरे हमें भैया बहुत अच्छा लगता है। हमें बता दिया वहाँ जाते तो वहाँ हमको अच्छा नहीं लगा, यहीं के छोड़ के कहीं जाते भी नहीं। अच्छा अच्छा, बाबा सिद्धनाथ के दर्शन भली बात ही बहुत अच्छी तरीके से मिली, मन खुश हो गया।